Hello everyone, welcome to my channel SRJ Physics. I am Suraj Kumar Modi. Last class में हमने electric field के बारे में पढ़ा था और electric field क्या होता है, कैसे हम लोग find out करते हैं किसी point charge की वजह से क्या उसके properties होते हैं, ये हमने last class में देखा था. अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो charged body है वो कोई extended body है, like continuous charged body है. जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि एक इनफाइनाइट रॉड है, उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, या कोई एक अगर रिंग है जिसको हमने पूरी तरह से चार्ज कर दिया तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं. तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने तरह के अलग अलग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम किसे कहते हैं, पहले ये हम लोग देखें. तो हमने कूलम्स लॉ में ही इस चीज को डिफाइन करा था कि जो पॉइंट चार्ज सिस्टम होता है, हम किसी भी बॉडी को पॉइंट चार्ज सिस्टम तब कहते हैं जब उसका अपना साइज जो है वो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. तो वैसे पॉइंट चार्जेस को, वैसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज सिस्टम कहते हैं. लेकिन अगर मान लो हम लोग उसी पॉइंट के जगह पे सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, जैसे अगर मान लो हम ये स्केच पे नहीं लेके चल रहे, सपोज करो इसी के ऊपर हमने पूरा चार्ज दे दिया. अब इसको अगर जब हम कंसिडर करेंगे और इसके वजह से किसी पॉइंट पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि इस चार्ज के लिए, इस सिस्टम के लिए हम लोग किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकाल रहे हैं. जैसे अगर मान लो इसके लेंथ के कंपेरेबल में अगर डिस्टेंसेस हैं या उससे कहीं मतलब थोड़ा सा मतलब छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं कि इस बॉडी का साइज जो होगा वो डिस्टेंस की कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते और ना ही इसको हम लोग इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लो इस पेन से अगर हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस लेके चले, लेट अस से फ्यू मीटर्स, तो उस केस में हम लोग इसको एक स्मॉल पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन उसी जगह पे अगर मान लो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करें जो पॉइंट इसके बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, और अगर वो पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा, ये डिस्टेंस अगर छोटा हुआ तो उसके कंपेरिजन में ये लेंथ बहुत लार्ज हो गया, तो इसको हम लोग लगभग इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम या इनफाइनाइट रॉड कंसिडर कर सकते हैं. तो इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम या पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये दोनों जो है वो पूरी तरह से रिलेटिव टर्म होते हैं. तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम अगर हम बात करें तो जिनके पास फाइनाइट शेप और साइज होता है उन्हें हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में रखते हैं. कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम तीन तरह के यहाँ पे अलग अलग रखा गया है. जैसे एक होता है हमारे पास लीनियर चार्ज सिस्टम. लीनियर चार्ज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मान लो कोई ऐसे बॉडी या कोई ऐसे शेप जिनका सिर्फ एक ही डायमेंशन फाइनाइट हो, जैसे रॉड है, तो वैसे केस में हम लोग उसको लीनियर चार्ज सिस्टम कहते हैं. या फिर चार्ज अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वैसे चार्ज सिस्टम को हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज सिस्टम कहेंगे. तो लीनियर चार्ज सिस्टम के एग्जांपल में अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रॉड, उसके बाद हम लोग रिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे रिंग जो है वो हमारा टू डायमेंशनल बॉडी है, बट इसके ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ लेंथ में एक ही मतलब एक ही लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर चार्ज सिस्टम में लेकर रखते हैं. तो रॉड और रिंग या फिर कोई भी आर्क, इन्हें हम लोग लीनियर चार्ज सिस्टम में रख सकते हैं. अब लीनियर चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे जनरली हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे मैथमेटिकली यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ. अगर मान लो लैम्डा चार्ज डेंसिटी पूरे रॉड पे अगर फाइनाइट होता है, हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है, तो वैसे केस में हम लोग लैम्डा को डायरेक्ट क्यू अपॉन एल के बराबर लिख सकते हैं. बट कुछ रॉड्स ऐसे भी क्वेश्चंस में आप पूछे जा सकते हैं जिनका चार्ज हर पॉइंट पे डिफरेंट हो, चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट हो, तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज अपॉन एल कंसिडर नहीं कर सकते.
लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद सेकंड जो हमारा आता है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब जब हम लोग उसके सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं सिर्फ सरफेस पे, तो वैसे में एग्जांपल्स हम लोग यहां पे लेके चल सकते हैं प्लेट और सीट, इसके बाद हॉलो स्फीयर। अब यहां पे इसके लिए जो हम लोग चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे भी नोट करते हैं सिग्मा से। और यहां पे हमारे पास सिग्मा जो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए, डी ए या फिर डी एस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब तीसरा जो हमारे होता है वो है फाइनल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब हम लोग चार्जेस को बॉडी के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करके रखे होंगे, इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए ही होता है, कंडक्टिंग बॉडीज के लिए नहीं होता। ये पॉइंट अभी याद रखें, हम इसे बाद में जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे तब इसको डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर के लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों कंसीडर नहीं करते। तो इसके लिए अगर एग्जांपल हम लोग ले लें, ये हमारे पास सबसे बेहतर एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, या फिर आगे हम लोग ये भी देख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर। तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, जिसे हम लोग रो से डिनोट करेंगे, और यहां पे हमारे पास रो इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज सिस्टम, लीनियर चार्ज सिस्टम, सरफेस चार्ज सिस्टम एंड वॉल्यूम चार्ज सिस्टम। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे रॉड हो गया, रिंग, आर्क, इन सब के वजह से एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। Uniformly charged ring. अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहां पे हम लोग इसमें दो पॉइंट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक स्पेशल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग एंड दूसरा एनी एक्सियल पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एट सेंटर, सपोज हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कि एक चार्ज रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, इस पे हमने चार्ज इसके सिर्फ लेंथ पे रखा है और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सर्कमफेरेंस पे, और इस चार्ज का चार्ज डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है यहाँ पे, तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रिंग यानी कि 2 पाई आर, ये भी लिखा जा सकता है, यानी कि टोटल चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, ये हमारे पास। तो अब यहां पे अगर इसके सेंटर पे इस ओ पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इसका आर कैप होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज।
हमारे पास यही एक अभी रिलेशन हमें फाइंड आउट मतलब हमें पता है, अब इन्हीं रिलेशंस को यूज करके हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो करने का तरीका क्या होता है कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उस चार्ज एलिमेंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे उसका साइज बहुत छोटा होगा पॉइंट चार्ज के लगभग। तो उसके वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेट कर देंगे। वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन वाला, तो एक कंपोनेंट को एक तरफ करेंगे दूसरे कंपोनेंट को, जैसे एक्स को एक्स के साथ पूरा इंटीग्रेट करेंगे, वाई को वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से हम लोग टोटल इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कि मान लो ये अगर हमारे पास रिंग हुआ, इसमें हम लोग एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे कंसिडर करें कि ये चार्ज हमारे पास डी क्यू है, तो यहां पे लिख रहे हैं लेट अस कंसीडर अ चार्ज एलिमेंट डी क्यू ऑन सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। अब ये जो डी क्यू हमने यहां पे कंसीडर करा, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज होता है इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज अगर हमने यहाँ पे अभी लिया है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी डी ई। अब हम लोग क्या कहेंगे कि इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट एक दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अगेन उसका भी मैग्नीट्यूड डी क्यू होगा, और इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो इधर की तरफ आएगा, अगेन डी। देख सकते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल, क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है, डिस्टेंस चार्ज भी सेम है, तो दोनों मैग्नीट्यूड अगर बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। उसी तरह से एक चार्ज एलिमेंट अगर यहाँ पे कंसिडर करें तो इसके वजह से इधर की तरफ डी ई, सिमिलरली एक चार्ज अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डी ई, जो अगेन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसे ही जितने भी हम लोग यहाँ पे चार्ज एलिमेंट्स कंसीडर करते जाएंगे सबके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो कैंसिल आउट होता चला जाएगा ये सर। तो इसलिए हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब इसके बाद इसी रिंग के लिए अगर हमें इसके सर्कमफेरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करें? अगेन यूज हम इसी चीज का करेंगे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, उसमें भी हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हुए पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक रिंग दिया हुआ है, रिंग, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका सेंटर। अब ये एक्सियल पॉइंट है रिंग का, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। अब इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फाइंड आउट करेंगे, ये रेडियस आर दिया होगा, कंसीडर वही करना हमें, तो ये सेकंड पॉइंट होगा एट एक्सियल पॉइंट। सपोज इस एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इसका डिस्टेंस एक्स है। अब हम लोग यहां पे इस पूरे रिंग में एक छोटा सा चार्ज डी क्यू कंसीडर करते हैं, चार्ज एलिमेंट जिसे कहते हैं हम लोग। अब इस चार्ज एलिमेंट की वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज से इस पॉइंट तक एक लाइन जोड़ेंगे।
अब इस लाइन का अगर लेंथ हमें निकालना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आर है तो ये भी हमारे पास आर होगा, ये एक्स है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर हमारे पास निकल गया तो ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर करा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अलोंग दिस लाइन आएगा इधर की तरफ, और सपोज करो इसे हम लोग डी ई कहते हैं, डी ई वेक्टर। अब लेट ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है तो इस जगह पे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब चूंकि रिंग है पूरा फुल रिंग है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जैसे जैसे इसको हम लोग और घूमते चले जाएंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज करता चला जाएगा ऐसे करके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करा और इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर दें इस जगह पर सेम मैग्नीट्यूड का डी क्यू, और इस डी क्यू की वजह से फिर इसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग फिर से ये पॉइंट जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देख ले ये इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो ज्योमेट्री अगर सेम है तो हम कह सकते हैं ये भी एंगल हमारे पास सेम आएगा यानी कि यहाँ पे ये इधर की तरह। अब हर एक चार्ज के लिए डायरेक्ट्रिकली ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे है अगर ये फुल रिंग है तो इसलिए ये दोनों हमेशा कपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और इस जगह पे अगर मान लो इन दोनों का कॉम्पोनेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लें तो इस जगह पे क्या सकते हैं हम लोग कि इधर की तरफ हमारे पास आ जाएगा डी ई साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा डी ई कॉस थीटा, यानी इसका कॉम्पोनेंट अगर लेंगे तो इधर की तरफ आएगा डी ई साइन थीटा एंड अगेन इधर की तरफ आएगा डी ई कॉस थीटा, तो इसे हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से और इनके जगह पे हम लोग ये कॉम्पोनेंट्स ही रहने दें। तो हर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्जेस के लिए जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो सिर्फ ये दोनों बचेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग सबसे पहले डी निकाल लें, डी का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई इज गिवन एज डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन अगेन स्क्वायर देन के डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। अब यहां पे अगर पूरे रिंग की वजह से हमें इंटीग्रेट करने का जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं कि किसी एक कंपोनेंट को ही हम लोग ले लें कि एक के वजह से d cos थीटा सिर्फ हमारे पास आए तो यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d cos थीटा, और जब d cos थीटा लेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे d का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो यह आएगा के डी क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब किसी भी केस के लिए किसी भी चार्ज एलिमेंट के लिए ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा ये रूट था स्क्वायर करा था तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, के हमेशा कॉन्स्टेंट है और ज्योमेट्री की वजह से थीटा भी कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कॉस थीटा भी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास सिर्फ डी क्यू है। अब डी क्यू को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेकर कैपिटल क्यू होगा अगर हम सिर्फ डी कॉस थीटा लेके चलते हैं तो, लेकिन अगर मान लो हम लोग यहां से टू डी कॉस थीटा ले लें दोनों को एक साथ कंसिडर करते हुए तो हमारा जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा वो चेंज होकर जीरो से क्यू बाई टू हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ हमने टू डी कॉस थीटा लिया है और इंटीग्रेशन के टाइम पे हमने सिर्फ डी कॉस थीटा लिया। अगर हम 2d cos थीटा लेके चलेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से q by 2 तक होना चाहिए। तो इस जगह पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू k cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट इज 0 टू कैपिटल q जो कि हमारे पास हो जाएगा e
at axial point is equal to k capital Q. अब cos theta का वैल्यू यहां से लिख लें, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो cos theta आएगा वो जाएगा x upon under root r square plus x square. So it is equal to r square plus x square to the power 3/2. This is electric field at axial point of a ring. अब इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लो सेंटर पे हमें इसी फॉर्मूले के सहारे निकालना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे. और अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट करके देखें तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा. जो हमने फर्स्ट वाले केस में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज बीम इज ऑलवेज जीरो. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि जैसे एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है kqx upon r square plus x square to the power 3/2. is equal to kqx by r square plus x square to the power 3/2. अब इसमें हम लोग स्पेशल केस ये लेके चलते हैं. केस वन, इफ x इज ग्रेटर देन r, तो जब x r से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस केस में हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x स्क्वायर. और जब x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज. जो हमारा डेफिनेशन होता है पॉइंट चार्ज का कि अगर सिस्टम के डायमेंशन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो वैसे केसेस में हम लोग चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं. अब इसी में से अगर दूसरा केस लेके चले कि सपोज रेडियस बहुत बड़ा हो और डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा हो. इफ आर इज ग्रेटर देन एक्स, जब आर एक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वैसे केस में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर. और ऐसे केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा will be equal to kqx divided by r square, r cube. यानी कि for this condition E is proportional to x. अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वजह से जो केस आया उस पर अगर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल अगर करके देखें, कुछ और क्वेश्चन अगर करके देखें इसका यूज करते हुए, तो लेट हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं कि एक रिंग दिया और ये रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है पूरे सर्कमफेरेंस पे, यूनिफॉर्म चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा. इस पे टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू दिया हुआ है. अब ये इसका सेंटर, इसका रेडियस दिया हुआ है आर है. अब ये इसका एक्सिस, अब इसके किसी एक्सियल पॉइंट पे सपोज यहां पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज रखा और इसका मास एम है. इस पॉइंट पे चार्ज नेगेटिव है माइनस क्यू और मास एम, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है यहां पे वाई. तो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू और दूसरा पार्ट इसका है इफ
y is very very less than r, then prove that when charge is released, it will perform SHL. तो एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं आगे। जैसा कि हम लोग बात करें, अगर फर्स्ट पार्ट हम लोग करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग यहां पे होता है E एट एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, लेकिन यहां पे वाई डायरेक्शन में है तो के क्यू वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कंडीशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर के बराबर होता है, सो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू के कैपिटल क्यू वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये वाई डायरेक्शन अगर है तो हम लोग इसको जे कैप भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स अगर निकल गया, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं और सेकंड वाला कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं। तो सेकंड में कंडीशन हमारे पास ये है कि वाई इज वेरी वेरी लेस देन आर, और अगर वाई बहुत ज्यादा छोटा होगा तो फोर्स हमारे पास यहां पे आया था F is equal to minus K capital Q small q y upon R square plus y square to the power 3/2। अब condition apply करते हैं कि if y is very very less than R, तब जाके हम यहाँ पे R square plus y square को approximately यहाँ पे R square लिखा जा सकता है। और जब ये हम लोग apply करें तो इस जगह पे इस पे जो force होगा वो जाएगा minus K capital Q small q into y डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये फोर्स हो गए। देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई, यानी कि यही हमारे पास कंडीशन होता है एसएचएम के लिए। और जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस जगह पे आता है वहीं से हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, सो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π√m बाय फोर्स कांस्टेंट, जो भी यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 2π√m डिवाइडेड बाय k कैपिटल q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r क्यूब, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड 2π√m इंटू r क्यूब बाय k कैपिटल q स्मॉल q, ये हमारे पास इस चार्ज को जब यहाँ पे रिलीज किया जाएगा उसके बाद जब ये मोशन ऊपर नीचे करेगा तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में इतना टाइम पीरियड लेगा।